स्वागत है साथियों, आज आपका इस एजुकेशन प्राइम चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज हम फिर शुरुआत करते हैं, मतलब वाहिद और जमा आज हम लोग सीखेंगे। आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th ग्रामर। ये एक्चुअली बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों बच्चों को काम आएंगे, तो दोनों बच्चे देख सकते हैं, झारखंड बोर्ड वाले भी और बिहार बोर्ड वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है वाहिद और जमा, यानी सिंगुलर और प्लूरल आप बहुत अच्छा से जानते होंगे। तो यहाँ पे हम वाहिद जमा कुछ देख लेते हैं, इसे आप रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे है लव्ज, ये सिंगुलर है, एक वचन है ना। इसका जमा जो होगा प्लूरल, यानी अल्फाज, मतलब बहुत सारे। शक, इसका प्लूरल हो जाएगा शकूक। हक, हुकूक हो जाएगा। जिद, अजदाद। और हद के हदूद। और कौल, अकवाल। रस्म, रसूम। मुल्क, ममालिक। वली का औलिया। और खिदमत का खिदमात। ये आपके हैं सिंगुलर से प्लूरल। और रही बात कि इसका डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से बनता है, तो मैं अभी इस वीडियो के एंड में एक वीडियो लगा दूंगा। ख़त्म होने के बाद एक वीडियो स्क्रीन पे आएगा, और उस स्क्रीन पे आप टच कीजिएगा, तो वो आपको पूरा डिटेल्स उस पर लिखा हुआ वाहिद और जमा, उसमें पूरा ग्रामेटिकली कैसे बनाया जाता है वो डिटेल्स बताया हुआ। उसे आप देख करके बहुत अच्छा ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे है यहाँ अल्फाज अजदाद, यानी वर्ड का उसका अपोजिट क्या होता है, उल्टा सा है ना। यानी दिन का होता है रात, गुलाम का आका, अजाब के सवाब, हलाल के हराम, आम का खास और शाम के सुबह, जिंदगी की मौत, मोहब्बत के होता है नफरत और खुशी के होता है गम। ये अपोजिट वर्ड, इसका भी बनाने का वहाँ पे बताया हुआ है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और स्क्रीन पे भी हम वीडियो इसको ऐड कर देंगे। ये जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा तो वो आपका वीडियो शुरू हो जाएगा, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और उसमें आप नोट कर लीजिए कि कैसे ये चेंज होता है, इसका प्रोसेस क्या है, उसमें पूरा डिटेल से हम बातें किए हैं। जब तक आज हम यहाँ पे आज के लिए इतना हम वर्क करेंगे, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए और इसे याद कीजिए, और कॉपी में नोट कर लीजिए जो तरीका बताया गया है कि किस तरह से हम चेंज करते हैं, कैसे होता है। तो पूरा डिटेल्स बनाया हुआ है वीडियोस, उसे आप ज़रूर देखिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 10 से 15 नंबर आपका टच करेगा ही, तो इसे आप देखिए और फिर बाकी आगे तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।